हाय फ्रेंड्स, टेक मोबाइल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे ओप्पो A1K को हम कैसे SP फ्लैश टूल के द्वारा अनलॉक कर सकते हैं। पिन, पैटर्न, पासवर्ड कुछ भी हो तो SP फ्लैश टूल के द्वारा, ना कोई डोंगल ना कोई बॉक्स, सिर्फ टूल के द्वारा। तो स्किप किए बिना वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए मॉडल नंबर चेक कर लेते हैं, *#899#। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर वर्जन या इन्फॉर्मेशन आएगा, तो आप देख सकते हैं CPH 1923 है, यानी कि ओप्पो A1K। तो इसे हम SP फ्लैश टूल के द्वारा आज अनलॉक करने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं इसका अनलॉकिंग प्रोसेस बाय SP फ्लैश टूल। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। तो ये रहा हमारा कंप्लीट फाइल, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए SP फ्लैश टूल को हम ओपन कर लेते हैं। तो टूल हमारा ओपन हो चुका है। पहले तो हम DA फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, SP फ्लैश टूल के अंदर ही आपको मिल जाएगा। और हमें स्कटर फाइल को भी सिलेक्ट करना है, तो A1K का हम स्कटर फाइल सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा फाइल डेस्कटॉप में है, आपको कंप्लीट फाइल मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं A1K का स्कटर फाइल यहाँ पर है, तो सिलेक्ट कर लेते हैं हम। तो अब हम चलेंगे फॉर्मेट टैब में, और यहाँ पे हम मैनुअल फॉर्मेट में क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमें फॉर्मेटिंग एड्रेस चाहिए, तो हमें फ़ाइल के अंदर ही मिलेगा। फ़ाइल को हम ओपन करेंगे और उसमें हमें स्कटर फाइल ढूंढ लेना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे हम स्कटर फाइल को ढूंढेंगे। तो ये रहा हमारा फाइल, इसका A1K को हम ओपन करेंगे और स्कटर फाइल को हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। और यहाँ पर हम Ctrl+F दबाएँगे और यूज़र डेटा टाइप करके फाइन नेक्स्ट कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे यूज़र डेटा का एड्रेस आ चुका है। तो हमें जो यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो एड्रेस, उसको अब सही से देख लीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। तो हमें यहाँ पे फिजिकल स्टार्टर एड्रेस सिलेक्ट करना है पहले, तो और इसको कॉपी करके हम टूल में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और अब हमें इसे भी डिलीट कर देना है, और यहाँ पे हमें पिटीशन साइज को सिलेक्ट कर लेना है। पिटीशन साइज का जो एड्रेस है उसको हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और कॉपी करके टूल में हमें पेस्ट कर देना है। तो हमारा कंप्लीट हो चुका है एड्रेस पेस्ट। अब हमें जो हमारा फाइल है उसमें और एक टूल मिलेगा, MCT टूल। MCT टूल को हमें ओपन कर लेना है। तो चलिए हम MCT टूल को ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं एरा MCT टूल, इसे हम ओपन करेंगे डबल क्लिक करके। तो टूल हमारा ओपन हो चुका है। तो हमें फोन को ऑफ कर लेना है, और टूल जो ये है, ये रहा टूल, मिनिमाइज होके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम चाहे तो CPU भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको अगर पता है तो आप पर्टिकुलर CPU सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ऑटो पे अगर रखिएगा, कोई भी CPU हो डिटेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे हम बाईपास पे क्लिक कर देंगे और वॉल्यूम अप एंड डाउन को प्रेस करके हम USB को प्लग इन कर देंगे, तो हमारा फ़ोन डिटेक्ट हो जाएगा, इस पोर्ट को बाईपास कर देगा। देख सकते हैं हमारा कॉम आ चुका है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं COM6। तो हमारा कॉम बाईपास हो चुका है, COM6। तो COM6 हम डिवाइस मैनेजर पे भी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी COM6 आ चुका है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन पे चलेंगे और यहाँ पे कनेक्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम पोर्ट सिलेक्ट कर लेंगे, COM6 हम सिलेक्ट करेंगे, और नीचे जो बिट रेट है इसे हम हाई कर देंगे, और यहाँ का काम ख़त्म हो चुका है, इसे हम काट देंगे। और अब हम स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा जो फॉर्मेटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। तो चलिए अब हम फ़ोन को ऑन करते हैं और देख लेते हैं ये कंप्लीट होता है कि नहीं।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं फ़ोन हमारा सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है, पासवर्ड हट चुका है। तो हम इमरजेंसी कॉल में चलेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे *H813#। तो हमारा जो अगर FRP भी रहेगा तो डायरेक्ट हमें होम स्क्रीन पे ले जाएगा, वो FRP अगर रहेगा भी तो हट जाएगा। तो आप देख सकते हैं फ़ोन हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए हम एक बार मॉडल चेक कर लेते हैं, ये A1 के है कि नहीं। अबाउट में चलेंगे हम, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ओप्पो A1 के है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो के साथ। बाय।